आदर आदाब, अभिनंदना भार, मैं उमानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। तो गाइस, काफी दिनों से मेरी धन्नो खड़ी हुई थी, मैंने कहा यार कहीं चलते हैं और आज उस पर चल रहे हैं हम राइड करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में और शुरू होने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। भाई साहब, निकलने का प्लान था 7 बजे का और करते करते बज गए 8। बहुत ज्यादा जरूरी सामान इसी पुण्य निकाल देते हैं हम। और ये हो गया रेडी, ये हो गया भैया साइकिल वाला ग्लव्स, क्योंकि भाई सेफ्टी और प्रोटेक्शन सबसे पहले। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, बुरी हालत हो चुकी है धूल से। काफी दिनों बाद आज हमारी सवारी निकली है। हम चल रहे हैं गाइस नाश्ता करने, सुबह सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। एक चीज तो लगाना मैं भूल ही गया यार, बहुत ही काम की चीज है ये। पसीना आना शुरू हो गया है, वही चीज होती है, कोई चीज आप काफी दिनों बाद स्टार्ट करो ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मैंने इसका ट्रैकिंग ऐप ही स्टार्ट नहीं किया है और एक सुरक्षा कवच भी हमने पहन लिया है, ये देख सकते हैं आप। हमारी जर्नी शुरू हो गई और करते करते कितना बज गया भाई, 8:20 हो गए। ले भाई साहब, ये आ गए हैं हम खूबसूरत से कुतुब मीनार के पास। लेकिन यार ये सारा ये बंद है, कब खुलेगा कुछ पता नहीं, कुछ बता नहीं सकते। ये क्या भाई, इतना देर का ऑरेंज। निकल ले जल्दी। तो ये साइकिल मुझे इतना गाली दे रही थी ना, अबे खरीद लिया है भाई, निकाल चला तो कम से कम। महीने भर से खड़ी हूँ मैं, मेरा सारा सामान खराब हो रहा है। इन्हें लाल 32 को मतलब ये निकले पड़े हैं क्या भाई, साइकिल के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता क्या। ये है अपनी धंधों का फायदा, कहीं चढ़ा लो कहीं निकाल लो। और ये हम आ चुके हैं इस वक्त एम्स। टाइम हो रहा है इस वक्त 8:50 और हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। हालत पास हो चुकी है इतने ही में, समझ नहीं आ रहा कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और पहुँच तो जाएंगे फिर वहाँ से वापस कैसे आएंगे, ऐसा ना हो कहीं ऑटो करना पड़े मुझे। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को बोर कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, देख लो। और ज़्यादा बोर लगे तो एक लाइक का बटन दबा देना। और यहाँ पे मुझे करने पड़ेंगे अपने गियर कम, और ये मैंने लगा लिया है इस वक्त 5 और 2 के कॉम्बिनेशन पे। साइड में यहाँ से बढ़ता है और इस साइड में यहाँ से बढ़ता है, ये पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है साइकिल में। भाई दोनों सेम बनाओ ना, यहाँ पे मेरी साइकिल चलेगी मैक्सिमम स्पीड पे 6-3, 7-3 और ये 8-3। ओ ये चलो जवानों आगे बढ़ो और सामना करो दुश्मन का, मैं पीछे से आता हूँ। से लगा लेते हैं अपना GPS, क्योंकि भाई यहाँ के रास्ते ना समझ में नहीं आते मुझे। जब स्टार्ट किए तो बड़ा जोश आता है, 15-20 मिनट आधे घंटे एकदम जोश आता है, भाई चलना ये है वो। उसके बाद जब नीचे से जो है होल होना शुरू होता है ना, हालत खराब। वाह क्या बस है, इस तरह की बसेस गाइस लखनऊ में भी चलनी चाहिए। भाई साहब कितने दिनों बाद ये झंडा लगा है, और हम उड़ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। भाई साहब एक बात नहीं समझ आती, पहाड़ तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा मुझे, इसका नाम पहाड़गंज क्यों रखा गया है। मान लो यार एक चुतियापा हो गया, जा रहे हैं नाश्ता करने और जेब में पैसा नहीं है। तो गाइस कभी ये पैसा निकालते हैं तो उसको कैंसिल कर, 2-3 बार बटन दबा दीजिए। ये है आज के टाइम में जीवन दान। अब चलो चौड़ में, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोच रहे हो भाई कौन सा नाश्ता है जो इतना दूर हो रहा है, अरे ठहर जाओ बताते हैं, ठंड रखो। राधे श्याम छोले भटूरे किधर भैया, इस गली से ऐसे निकलो ठीक, मिठाई तुम्हारे अंदर मुड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, आज हमारा कुछ नाश्ता यहाँ पे होना था क्योंकि काफी डिमांड आप लोगों की आ रही थी, भाई राधे श्याम के भी छोले भटूरे आप ट्राई करो। ये है सर की शॉप, और अगर रेट की बात करूँ तो ये है रेट, फुल छोले भटूरे 2 पीस मिलेंगे 70 के, और हाफ है 50 रुपीज का। और ये क्या है सर, अच्छा रेडी टू ईट है, इस तरह के रेडी टू ईट भी देते हैं आप। इसको एक साल तक आप कभी भी यूज कर सकते हो। अच्छा इसको आपने बिना फ्रिज के कहीं भी रख सकते हो। सिर्फ छोले हैं ये? ये छोले हैं। ओके ये आलू है। अच्छा क्या प्राइस है सर, 90 रुपीज? इसका 90 है, इसका 100 है। ओके okay. सर क्या पंजाबी लस्सी भी है 40 रुपीज़ की, गुलाब जामुन भी अभी स्टार्ट होने वाले 40 रुपये में 2। ये सर का कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस वगैरह दे रखा है। जब मैं आया था तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और ये देखिए गाइस कितनी भीड़ हो चुकी है तुरंत 5 मिनट के अंदर ही। से एस्टैब्लिश है आपकी शॉप? 60 साल। अच्छा 60 साल हो गए इस शॉप को। अरे वाह, स्पेशलिटी जो है बेसिकली पनीर वाले छोले भटूरे हैं यहाँ पर। और टाइमिंग क्या रहती है सर शॉप की? 7:30 और इवनिंग 4:30। ये हैं छोले, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसे हैं ये। ये सर्व किया जा रहा है यहाँ पर, क्या बात है, प्रॉपर हाइजीन वगैरह का पूरा मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पर, मास्क वगैरह लगाए हुए हैं भैया लोग। और ये है यहाँ पे इनकी कुछ पैकिंग, इस तरह से पूरी पैक करते हैं ये। ये है कुछ लस्सी का काउंटर, यहाँ ये लस्सी देते हैं कुल्हड़ में, तो भाई कुल्हड़ में पीने का मज़ा ही एक अलग रहेगा। और भाई साहब भीड़ देखो, बाप रे ज़बरदस्त भीड़ हो चुकी है इस वक्त। बिना मास्क के आप लोगों को यहाँ पे छोला भटूरा नहीं मिलेगा, तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे,
मास्क लगाना मैंडेटरी है और यार ठीक भी है, आपकी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। अंकल जी कह रहे हैं भाई अभी पैसे मत दो, पहले आप खा के देखो। वाह, और ये आ गया अपना छोले भटूरे। वाह क्या बात है, छोले तो मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं, प्याज और चटनी है, और ये है एकदम फूला हुआ भटूरा। वाह भाई वाह। तो भाई थोड़ा सा अपनी साइकिल का भी ध्यान रखा जाए, पता चला छोले भटूरे खाने के चक्कर में वो साफ हो गई। देख सकते हैं भटूरे के अंदर पूरा पनीर धनिया सब कुछ दे रखा है। सबसे अच्छी बात है कि मतलब ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और छोले का टेस्ट बहुत बढ़िया, मतलब जैसा सुना था मैंने वैसा ही टेस्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो सर जो है 20 सालों से आ रहे हैं शॉप पे, और कैसा लगता है सर? बहुत बढ़िया। अगर दिल्ली आया कर राधे श्याम जी का भटूरा नहीं खाया तो जैसे दिल्ली आना बेकार हो। अरे वाह क्या बात, छोले भटूरे ना खाए। भाई से मैंने लस्सी मंगा लिया, मैंने खाया छोले भटूरे के साथ, अगर लस्सी का आनंद मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाएगा। और ये हम खोल के देखते हैं लस्सी को। वाह क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। और हम थोड़ी सी अब लस्सी ट्राई करते हैं। ऊपर डाल रखी है मलाई और दही। लस्सी की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें चीनी डाल देते हैं तो एकदम वो एकदम अजीब सा शरबत टाइप का हो जाता है। मतलब जो प्योर होता है ना लस्सी का, वही टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे अगर कुछ भी खाना हो तो सीधे राधे श्याम की दुकान आप पूछते हुए आइए, बीच में रोकने की कोशिश लोग करते हैं लेकिन वहाँ मत रुकना, सीधे आप यहीं पर आना क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है यार मतलब मज़ा आ गया खा कर। अगर आप लोग छोले प्याज वगैरह मंगाना चाहते हो बीच में और तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कई दुकानों पे तो देते ही नहीं। और भाई साहब मतलब सफाई देखिए आप, एकदम साफ़ सुथरी जगह है, प्रॉपर हाइजीन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कोई गंदगी नहीं कहीं पर। ये आ गया अपना सेकंड भटूरा, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा गाइस। पेमेंट भी चलिए कर देते हैं। प्लीज़ 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 लो सर लो, नहीं ये कोई बात थोड़ी ना हुई। लो भाई साहब अंकल जी ने पैसा ही नहीं लिया। तो हम हो चुके हैं तैयार अपने घर को जाने के लिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा गाइस, काफ़ी मज़ा आया, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा था छोले में, हो सकता है मैं स्पाइसी कम खाता हूँ तो मुझे लगा। ये है शॉप जहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, ये है कोई सीटिंग का एरिया और यहाँ पे मिलती है लस्सी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और अपनी हेल्थ बना रहे हैं मौसम्बी का जूस पी करके। हाँ हाँ क्या टेस्ट है, वाह। ये अच्छा है कि ऑटो वाले टैक्सी वाले सब बाहर ही खड़े हैं, अंदर अलाउड नहीं जाना, सिर्फ पैसेंजर ही बाहर से अंदर या अंदर बाहर जाएंगे। तो हमारा नाश्ता हो गया सुबह का और इस वक्त बज रहे हैं 10:40। पहले मेरा प्लान था संडे साइकिल राइड करने का लेकिन वो हो ना पाया, फिर मैंने कहा मंडे चलते हैं, मंडे भी ना हो पाया, फिर मैंने कहा ट्यूसडे चलते हैं, ट्यूसडे चल ही चलते हैं यार, वो भी ना हो पाया। मैंने कहा भाई आज बुधवार है, आज तो अब चल ही चलो, उन्हें डब्ल्यू बहुत गाली देगी। प्लान बनाते रहते हैं और करते कुछ नहीं। तो अभी मुझे पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो नियर अबाउट मैं 12 बजे तक घर पहुँचने वाला हूँ। Few moments later. ये है जाने का और रिटर्निंग होम का, ये है आने का। टोटल मैंने चलाया 33.7। गलत बता रही। तो मैं आ चुका था घर और नहा धो करके हो चुका हूँ एकदम रेडी। कूलों के तो मतलब ना बुरी हालत हो चुकी है, अपने को आदत नहीं है भाई इतना चलाने की साइकिल, और ये पतली पतली जो सीटें होती हैं ना ये तो मतलब एकदम क्या बताऊँ घुस जाती हैं अंदर। और अगर आपने अभी तक छोले भटूरे नहीं खाए हैं तो एक बार जा करके ज़रूर टेस्ट करिए भाई, लस्सी तो मज़ा आ गई पी करके, बहुत बढ़िया, और छोले भटूरे भी बहुत अच्छे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को पता ही करना यार, एक लाइक का बटन तो दबा ही देना यार, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, इतनी दौड़ भाग धूप, देखो हाथ काले हो ही गए, मतलब बहुत ज़्यादा तो बचाव नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो बचाव है उससे। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है आप लोगों के सवाल जवाब के लिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें क्या करना है, क्या करना है भाई, सब्सक्राइब, एक लाल कलर का बटन होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं दबाया तो दबा दो मेरे भाई, और उसके बगल में एक घंटी का ऑप्शन होता है जिस पे कि आप लोगों को ऑल करके उसको मार देना है 10। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रह करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।